एवरी वन गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग से कॉमेंट सेक्शन में बता दो इफ आई एम ऑडिबल ऑल क्लियर योर वेलकम टू संजीवनी इस चैप्टर में जो कि मैंने पहले बोला था टाइम लगेगा कंप्लीट होने में वी आर ऑलमोस्ट मिडिल से थोड़ा आगे ठीक है तो हम पहुंच चुके हैं फर्टिलाइजेशन वाले पार्ट पे इन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम ठीक है हेलो जी बेटा गुड मॉर्निंग गुड गुड इवनिंग गुड इवनिंग जल्दी शेयर करो फटाफट से बुलाओ सबको ये तुम लोग इतनी जल्दी कैसे थक जाते हो रे ऐसे थोड़ी कम चलेगा राइट ओके नाउ लेट्स गो अहेड फटाफट से मैं कुछ बता देती हूँ आपको जो बच्चे यहाँ बिल्कुल नए हैं क्या हो रहा है मैम कौन सा चैनल क्या है ये ज अन अकेडमी नीट अन अकेडमी नीट पे आई एम कोमल यादविंग योर बॉटनी से मास्टर्स पढ़ा बॉटनी में तो मैंने बॉटनी पढ़ाना शुरू कर दिया ये एक अमेजिंग टीम के साथ जिसमें आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जोअलॉजी सबके लिए टीचर्स है ऑल ऑफ देम आर टूगेदर टू हेल्प यू रीच योर टारगेट आपको आपके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए हम लोग आ गए हैं आपको डॉक्टर्स बनाने के लिए हम लोग जो कंटेंट चाहिए होगा हमारे एंड से दैट वी विल भी प्रोवाइडिंग ओके okay? So, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को शेयर कर दो अभी का सेशन ताकि सारे बच्चे हमारे साथ ज्वाइन कर सके जो बच्चे आज बिल्कुल नए हैं बेटा इस चैप्टर के कुछ प्रीवियस सेशंस हो चुके हैं डिटेल में प्लीज रेफर टू देम उनमें बेसिक्स हैं और आज मैं पूरा का पूरा बेसिक को कंबाइन करने वाली हूं वी आर एट द सेकेंड स्टेप दैट इज दैट इज फर्टिलाइजेशन सो क्विकली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लेट्स गेट स्टार्टेड आई थिंक वी शुड स्टार्ट है ना करते हैं स्टार्ट चलो बच्चा पार्ट बच्चा पार्टी गुड नाउ कन्फ्यूजन बहुत सारा दिमाग में चैप्टर ऑलमोस्ट आधा पहुंच चुके हैं ठीक है तो नेक्स्ट कुछ दिनों में मैं इसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन करूंगी प्लान तो यहाँ तक रिवाइज करके आना ठीक है क्योंकि हमने ऑलमोस्ट आधा चैप्टर कर लिया है पहले मैं इसलिए नहीं दे रही थी क्वेश्चन क्योंकि हम बहुत छोटे छोटे पोर्शंस कवर कर रहे थे हमने ऑलमोस्ट हाफ अ चैप्टर वी नाउ कमिंग सैटरडे संडे में से एक दिन मैं रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स तक हमने कवर कर लिया है वहां तक के प्लान ठीक है तो उसमें क्विज़ के फॉर्म करेंगे अब देखो बेटा फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ा चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जिसमें तीन फेजेस आते हैं फर्टिलाइजेशन से पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स

बड़े प्यार से पोलन पिस्टल इंटरक्शन भी बोलते हैं बेटा क्या बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरक्शन द फर्स्ट स्टेप जब पोलन जाके स्टिग्मा पे लैंड करता है ओके सेकंड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट ये हुआ सेकंड पॉइंट एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल देखो ड्रॉ कर रही हूं मैं सारे स्टेप्स हाँ ये हमारे पास ओवरी है यहां पर हमारे पास ओव्यूल था और इसके अंदर हमारे पास एम्ब्रियो सैक था ठीक है बेटा यहां पर पोलन गिरता है ठीक है पहला स्टेप है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन मतलब ये पोलन ट्यूब बनेगी ये पोलन ट्यूब बनती है अब ओव्यूल में एंट्री हो रही है सेकेंड पॉइंट तो पहला तो क्या हो गया पोलन पिस्टल इंटरक्शन दूसरा पोलन ट्यूब का ओव्यूल में एंट्री और ओव्यूल के बाद तीसरा पोलन ट्यूब की एंट्री इन टू एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री तीन स्टेप एंड द लास्ट स्टेप इज फ्यूजन ऑफ गेमी दैट इज फाइनल फर्टिलाइजेशन चार स्टेप्स में ये प्रोसेस कंप्लीट होगा पहली बार फर्टिलाइजेशन जब पढ़ा गया दैट वाज बाय स्ट्राबर्जर स्ट्रासबर्जर वाज अ पर्सन हु फर्स्ट स्टडीड फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन ठीक है डबल फर्टिलाइजेशन नहीं सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ किसमें? इन मोनोट्रापा प्लांट मोनोट्रापा एक पेड़ का नाम है उसमें उन्होंने सबसे पहली बार ये प्रोसेस और फिनोमिना देखा बेटा क्लियर राइट गुड जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब क्विकली अब हर एक स्टेप को एक एक पॉइंट ठीक है लेट्स लेट्स कवर वन पॉइंट ईच स्टार्ट विद पोलन ट्यूब देख देखो बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात मैं ऑलरेडी दो बार रिपीट तो करती ही हूं ठीक है लेकिन फिर भी ध्यान से सुनना मेरी बात ये है आपका आपके पास स्टिग्मा एंड स्टाइल ठीक है ये क्या है स्टिग्मा पोलन वहां से आते हैं यहां पे गिर जाते हैं अगर आपको याद हो पोलन का स्ट्रक्चर तो पोलन के पास एक जर्म पोर हुआ करता था ठीक है जिसमें किसका डिपोजिशन नहीं होता था एग्जाइन डिपोजिटेड नहीं होता है वहां पे याद है जर्म पोर वो जगह जहां पर एग्जाइन नहीं सिर्फ और सिर्फ इंटाइन होता है तो इस पॉइंट से अंदर एंट्री मारता है जब ये स्टिग्मा पे गिरेगा ना तो यहां से अंदर घुस जाएगा कौन पानी वॉटर मूविल मूव इन पानी के साथ साथ कुछ और एडिशनल चीजें भी जाएंगी जैसे ये शुगर भी यूज कर सकता है स्टिग्मा के सरफेस से कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कैल्शियम पोटेशियम बोरॉन बोरॉन का बहुत 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 इंपॉर्टेंट फंक्शन बोरॉन इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब यहां लिख रही हूं बोरॉन की जरूरत क्यों है मिनरल न्यूट्रिशन क्लास इलेवेंथ में एक चैप्टर था सारा मत पढ़ना बट ग्यारहवीं कक्षा की एनसीईआरटी उठा के देख लेना उसमें जहां बोरॉन है बस बोरॉन वाला पैराग्राफ पढ़ना बोरॉन सेज बोरॉन इज गोइंग टू अवॉइड अवॉइड बस्टिंग ऑफ पोलन ट्यूब लेकिन मैम पोलन ट्यूब तो अभी तक बनी ही नहीं है बनेगी जैसे ये पानी वानी सब कुछ एब्जॉर्ब हुआ इंटाइन ऐसे बाहर को प्रोट्रूड कर जाता है कौन आ आ गया गया ऐसे बाहर बाहर इंटाइन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे इंटाइन का सेल वॉल जो इंटाइन हमारी कवरिंग थी इंटाइन जो वॉल थी वो किस चीज की बनी हुई थी वॉट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ इंटाइन कॉमेन सेक्शन क्विकली

सब मिलेगा सारा लिखवाया है, लेकिन कौन पढ़े मैम क्लास में गा? हम तो यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं हम थोड़ी पढ़ेंगे ये तो मजाक चल रहा है सेल्यूलोज एंड पैक्टिन गुड आई सी करेक्ट। सेल्यूलोज एंड पैक्टिन तो जो इंटाइन नाम की चीज थी आपके पास जो इंटाइन नाम की चीज थी बेटा वो ही इन अरे यार वाइट यही इंटाइन बस बाहर की तरफ प्रूड हो गया ठीक है तो इस इंटाइन ने अब क्या बना दिया पोलन ट्यूब बना दी तो पोलन ट्यूब का सेल वॉल कॉम्पोजिशन क्या होगा ये जो वॉल पोलन ट्यूब की बनी हुई है पोलन ट्यूब वॉल इज ऑल्सो अप ऑफ वट सेल्यूलोज एंड पेक्टिन सेल्यूलोज पेक्टिन क्योंकि इंटाइन ही बाहर आ गया एक तरीके से एलोंगेट होकर पूरा ठीक है एक सिंगल सेल है ये अंदर क्या था पोलन ग्रेन के अंदर व्हाट वाज़ प्रेजेंट इनसाइड द पोलन ग्रेन एक वेजिटेटिव दो जेनरेटिव। एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस वेजिटेटिव सेल और उसमें फ्लोटिंग दो जेनरेटिव। याद है तो जैसे ही पोलन ट्यूब बनी सारा का सारा साइटोप्लाज्म जो इधर था डप से अंदर ठीक सबसे आगे, आगे आगे चलने वाला है सबसे आगे आगे चलने वाला है आपका बड़ा वाला न्यूक्लियस वेजिटेटिव न्यूक्लियस वेजिटेटिव न्यूक्लियस क्योंकि अब पोलन ग्रेन में से निकल के पोलन ग्रेन में से निकल के ट्यूब में एंटर कर गया बेटा वेजिटेटिव न्यूक्लियस अब कहा आ गया है ट्यूब के अंदर तो अब इसका नाम पड़ जाएगा ट्यूब न्यूक्लियस ट्यूब न्यूक्लियस की प्लॉइडी बताना जरा कमेंट सेक्शन व्हाट इज द प्लॉडी ऑफ

इसके अलावा दो दो सेल और थे इसके पास एंड सेल और जेनरेटिव सेल और उन जेनरेटिव सेल को अब हम यहां बोलने वाले हैं मेल गेमिट्स आप देखो जो भी पोलन के अंदर था वो सारा अब ट्यूब में आ गया है ठीक है वो सब कुछ अब कहा आ गया है ट्यूब में आ गया है ठीक समझे मेरी बात यहां तक तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्टेड पोलन को टिक मिल गया कि हाँ तुम जर्मिनेट कर सकते हो सेल्फ से करते, -करते ग्रोथ करी। ग्रोथ की तरफ जाएगी। उसको क्या पता उसको क्या पता सीधा जाना गोल घूम के नहीं जाना है ना तो उसने क्या किया जब आपका ये पोलन ट्यूब का ग्रोथ हो रहा है ना तो इसके लिए हम कुछ शब्द लिखते हैं पोलन ट्यूब जब इलाट होगा तो सिर्फ टिप पर ग्रोथ होती है आगे 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 ऐसे साइड में ग्रोथ नहीं होगी फूलेगा नहीं सिर्फ स्ट्रेट नीचे चला जाएगा इस टाइप के ग्रोथ को हम बोलते हैं एपिकल ग्रोथ टिप पे ग्रोथ है बस सो देर इज एपिकल ग्रोथ प्लस इट शोज कीमो ट्रॉफिक ग्रोथ कीमोट्रॉफिक ग्रोथ मतलब केमिकल की तरफ केमिकल की तरफ अब कौन केमिकल रिलीज कर रहा है कौन केमिकल रिलीज कर रहा है फीमेल गेमिटोफाइट बनाते टाइम बताया था कि देयर इज अ स्ट्रक्चर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन सिनजेड जो केमिकल रिलीज करते हैं पोलिन ट्यूब को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ ग्रो कराते हैं कौन से ऐसे स्ट्रक्चर है पोलिन ट्यूब क्या बोलेंगे उसको हु इज रिलीजिंग द केमिकल्स वॉट आर दो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट आर रिलीजिंग केमिकल्स टू अट्रैक्ट शाप बा गुड अन्य गुड uh, कौन आया आर आर अरबाज आशीष फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स केमिकल कौन रिलीज कर रहा है फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स कहां है सिनर्जिड में जब मैंने बोला फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बेटा तो उसमें सिनर्जिड भी गलत हो गया बोला फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर फिली फॉर्म ऑपरेटर्स किस में प्रेजेंट है Synergid में स किसका पार्ट है एग एपरेटस का ये कहानी है इसका मतलब थोड़ी आप सीधा एग एपरेटस बोलोगे क्योंकि के अंदर तो एग भी है, और एग दो कोई केमिकल नहीं रिलीज कर तो right तो रहा ठीक है एपिकल ग्रोथ है और कीमोट्रोफिक मूवमेंट है ट्रॉपिज्म इसलिए ट्रॉपिक इसलिए क्योंकि है. मतलब बेंड होना ग्रोथ होना जैसे आपने फोटोट्रोपिज्म नाम सुना है फोटोट्रोपिज्म इज लाइट की तरफ बेंड हो रहा है ये केमिकल की तरफ बेंड हो रहा है केमिकल की तरफ ग्रो कर रहा है अगर मैं यहाँ बोल देती टैक्टिक कीमोटैक्टिक, वो हम छोटे प्लांट्स में बोलते थे स्मॉलर प्लांट्स स्मॉलर प्लांट्स बिकॉज वहां पे खुद मेल के तैर के चला जाता था पानी से लोकोमोशन था वहां यहाँ लोकोमोशन नहीं है यहाँ ग्रोथ है ठीक है यहाँ चल के नहीं जा रहे हो यहाँ बेंड हो रहे हो कर्व हो रहे हो, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट दिस इज क्लियर इंटरक्शन समझ में आया इंटरक्शन <coughs> समझ में आया नाउ लुक एट दिस, नाउ लुक एट दिस, पोलन ट्यूब बनना कोई नई चीज नहीं है एंजियोसफॉर्म से पहले उससे पहले वाले कैटेगरी ऑफ प्लांट जिम्नोसफॉर्म्स में आ गया था सो पोलन ट्यूब का बनना फॉर मेल गेमीट को कैरी करके ले जाने के लिए पोलन ट्यूब बनाया जा रहा है ताकि मेल गेमीट को हम आगे कैरी कर सके उस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइफनोगेमी uh, मैं यहां लिख रही हूं साइफनोगेमी इज फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब टू ट्रांसफर द मेल गेमीट्स टू फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब बेटा ये साइफिनो गेमी की जो कहानी है ना ये सबसे पहले जी बी अमीची जी बी अमीची अमीची अंकल ने देखा था उन्होंने सबसे पहली बार नोटिस किया था इसको ठीक है तो उन्होंने बोला हा ऐसे पोलन ट्यूब जैसा कुछ बनता है दिस प्रोसेस इज नोन साइफिनो गेमी नाउ लुक एट दिस मेजोरिटी प्लांट्स में मेजोरिटी प्लांट्स में एक ट्यूब आती है अगर ध्यान दोगे आप पोलन ग्रेन देखो ऐसा पोलन ग्रेन है ठीक है, 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 तो है तो सिर्फ एक पोलन ट्यूब आती है जब पोर ही एक है जब जगह एक ही है, एक है जब एक ही है जिसमें से निकल सकते हैं तो उसी जगह से निकलेंगे ना गेट ही एक है मेरे पास ओनली वन गेट टू गो लेकिन कुछ ऐसे भी पोलन ग्रेन होते हैं जिनमें मल्टीपल पोर्स होते हैं जॉम पोर एक से ज्यादा प्रेजेंट पॉसिबल है सो देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ मोर देन वन जर्म पोर ऐसे में जब पानी एब्जॉर्ब किया जाएगा तो हर जगह से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन निकल आता है एक से ज्यादा जर्म पोर मतलब एक से ज्यादा पोर जिसकी वजह से एक से ज्यादा पोलन ट्यूब फॉर्मेशन राइट इट इज नॉट कॉमन कॉमन वाला कौन सा है ये इसे हम बोलते हैं मोनो साइफनोगेमी इज फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब मोनोसाइफनस मतलब एक पोलन ट्यूब बनेगी लेकिन यहां देखो एक से ज्यादा बन गई पॉलीसाइफनस लेकिन सोच के देखो अंदर तो दो मेल गेमीट और एक पोलर न्यू ये आपका न्यूक्लियस ट्यूब न्यूक्लियस ही तो है और क्या है उसके पास कुछ भी नहीं है है ना और कुछ भी नहीं है उसके पास तो क्या तीनों में अलग अलग सेल भेज दू तीनों में अलग अलग सेल भेज दू ये तो ब्लंडर हो जाएगा पता चला ट्यूब न्यूक्लियस कहीं चला गया एक एक एक, एक मेल गेमी कहीं जा रहा है दूसरा मेल गेमीट कहीं जा रहा है इतनी अफरा तफरी बन जाएगी तो ग्रोथ तीनों की शुरू हो जाए लेकिन किसी एक में जाएगा सारा का सारा कंटेंट बाकी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे वो आगे बढ़ना ही बंद कर देंगे क्योंकि आगे जाने का काम पोलन ट्यूब को सीधा सीधा स्ट्रेट स्ट्रेट आगे ले जाते हुए ये कौन ध्यान रख रहा है ये ट्यूब न्यूक्लियस ध्यान रख रहा है ट्यूब न्यूक्लियस हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ ओलन ट्यूब ग्रोथ ऑफ ओलन ट्यूब समझे मेरी बात बच्चे इज माई पॉइंट क्लियर इज माई पॉइंट क्लियर ठीक है सारे एक में ही जाएंगे बेटा पलक ऑल ऑफ द कंटेंट अंदर जो भी साइटोप्लाज्म वगैरह जो भी चीजें थी वो सारी एक में ही एंटर करेंगी बाकी बने क्यों है बाकी बन इसलिए गई क्योंकि एक से ज्यादा जर्म पोर था और ऐसा क्यों किया सेल ने खुद सोचो किस एंगल पे गिरेगा उसको थोड़ी पता है अब वो पीछे गिर गया उल्टा इधर की तरफ से गिर गया अब एग्जाइन तो पानी एब्जॉर्ब करेगा नहीं तो गिरना नहीं गिरना बराबर इसमें चांसेस ज्यादा हो गए ना एक तरीके से सोच के देखो कि किसी भी एंगल पे गिरे कोई ना कोई पार्ट कांटेक्ट में होगा पानी वहां से कर लेंगे दिस इज सीन इन एंड फैमिली एंड चाइना रोज की फैमिली पॉलीसाइफनस कंडीशन मेलवेसी फैमिली किसकी है चाइना रोज की है ठीक है, है बेटा क्विकली जल्दी बताओ मेरे को फिर मैं आगे चलू चले दिस पॉइंट क्लियर तो एपिकल ग्रोथ है और कीमोट्रॉफिक मूवमेंट है ठीक है टेम्परेचर ऑप्टिमम रूम टेम्परेचर चाहिए बेटा तो यू नो ट्वेंटी फाइव टू थर्टी डिग्री सेल्सियस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर पोलन ट्यूब जर्मिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बोरॉन कैल्शियम बोरॉन कैल्शियम अच्छा मेल गेमीट की प्लॉइडी बोलना जरा एक बार कमेंट सेक्शन में देखू मैं कितनों को याद है। पोलन ट्यूब की ये मेल की प्लॉइडी बोलना टेलीग्राम पे पोस्ट कर दो या मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर दो आई लेट यू नो हम्म एनर्जी का वेस्टेज नहीं है बेटा ये इसमें क्या ही लगा पानी की तो एंट्री लगी एनर्जी का वेस्टेज तो तब होता है जब ये तीनों ग्रो करें और तीनों में हो, ये तक पूरे में इनिशियली एक इधर चलते है। चांसेस भी तो बढ़ गए ना ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर गुड प्लॉइड सब कुछ कहाँ है आप पोलन ट्यूब में ये खाली हो चुका है एम हो गया कुछ नहीं बचा अंदर सब कुछ पोलन ट्यूब में आ गया राइट सो दिस इज पोलन पिस्टल इंटरक्शन अब पोलन ट्यूब बिल्कुल टिप पर आगे ट्यूब न्यूक्लियस चलेगा पीछे पीछे मेल मीच चलेंगे इसका रीजन है इसका रीजन है तो आगे आगे ट्यूब न्यूक्लियस चल रहा है पीछे पीछे कौन चल रहे हैं मेल मीच. इसको लेके आगे निकलेंगे हम और एंट्री हो जाएगी अब ओव्यूल के अंदर एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इंटू ओव्यूल पहला ये एंटर करता है माइक्रोपाइल से माइक्रोपाइल वो जो पोर था इंटेग्यूमेंट के बीच में उधर से एंट्री हो रही है सो दिस इज नोन एज पोरोगेमी यू वांट मी टू ड्रॉ मैं ड्रॉ कर दू डायग्राम ड्रॉ कर दू <coughs> एक में ही समझाऊंगी लेकिन फिर मैं तुम जैसा बोलो तुम जैसे बोलो एक एक ही ओव्यूल ड्रॉ करके बना बना के बता देती हो हाँ? श्रुति किसका बेटा खो गया यहाँ या? चलो आई ड्रॉ वन ओव्यूल और उसी में समझा रही हूं मैं सारे देखो एनाट्रोपस ही बनाएंगे ओव्यूल सबसे कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल है लेट्स ड्रॉ एन एनाट्रोपस ओव्यूल ये लो जी फिर तुम डायग्राम तुम्हारे नोट्स नहीं कंप्लीट होंगे फिर तुम पढ़ोगे तो वैसे भी नहीं बट चलो मेरी संतुष्टि के लिए एनाट्रोपस ऑफ यू अगर हमारे पास पोलन ट्यूब एंट्री करती है फ्रॉम द माइक्रोपाइलर एंड पोर से ठीक है तो इसे हम कहते हैं पोरो दिस इज द मोस्ट कॉमन मोस्ट कॉमन सबसे ज्यादा यही होता है इसीलिए एक तरीके से माइक्रोपाइल को छोड़ा भी गया था कि यहां से एंट्री आसान हो जाएगी बीच में मैं बना रही हूं आपके पास यहां पर एम्ब्रियोसैक इफ यू रिमेंबर द सैक। और माइक्रोपाइलर एंड पे एम्ब्रियो सैक के कौन होता है एग रिमेंबर माइक्रोपाइलर एंड पे कौन होता है एग का प्रेजेंस होता है ठीक है दिस इज योर एम्ब्रियो सैक जिसमें इधर की तरफ आपके पास फिलीफॉम एपरेटस इधर की तरफ एंटीपोडल्स यहां पे पोलर न्यूक्लियर ठीक है एग के पास पहुंचाना है मेल के मीट को तो ठीक है ना माइक्रोपाइल तो इजीएस्ट है पॉइंट बढ़िया बात दूसरी तरफ की एंट्री हो सकता है या तो फ्यूनिकल से आ जाए और इंटेग्यूमेंट से निकल आए देख रहे बीच का रास्ता ले लिया इसने कहां से आ गया या तो फ्यूनिकल से आ गया या इंटेग्यूमेंट में से बीच में से बीच में से क्रॉस मार के आ रहा है इंटेग्यूमेंट क्रॉस करके आ रहा है इसे हम कहते हैं मीजो गेमी बीच में से मीजो मीन बिटवीन मीजो गेमी बीच में से निकल आया इंटेग्यूमेंट के बीच में से क्यूकर पिटेसी में मिलता है एग्जाम्पल क्यूकरपिटेसी क्यूकर पिटेसी और तीसरा एकदम महान वहां है यह एंट्री मारेगा यहां से, से। इधर से निकल आया चलाज से माइक्रोपाइल चलाजोलैंड है यह कहलाएगा चलाजो गेमी चलाजलैंड से निकल के आ गई है पोलन ट्यूब लेकिन एक चीज का ध्यान दो चाहे वो पोर से आई माइक्रोपाइलर एंड चाहे वो चलाजल एंड से आए चाहे वो बीच में से निकल के आए चाहे वो इधर से आए चाहे कहीं से भी आए वो पहुंच रहा है एंडिंग माइक्रोपाइलर एंड के किस जगह पर माइक्रोपाइलर एंड पे किसके पास पोलन ट्यूब का एंड आ रहा है कहां जाके अल्टीमेटली खत्म हो रही है चीज हाँ गुड इवनिंग Where is it ending? कोई ओपनिंग नहीं है यही तो बात है कहीं ओपनिंग नहीं है तो बीच में एंजाइन यूज करके डिजोल्व करता आएगा बीच के सारे सेल्स को खाता पीता आ जाएगा आखिरी तक ठीक है हाँ सिन्नाजिड एग के पास पहुंच गया कहा पहुंच गया एक के पास पहुंच गया क्यों पहुंच गया एक के पास वट इज द रीजन वाई डिड इट रीच वाई डिड इट रीच क्यूंकि उधर एग है फर्टिलाइजेशन तो यही होगी कौन है इधर इधर यहां हमारे पास एग बैठा है तो डजेंट मैटर ये लाइन लिखो ये मैं भी लिख देती हूँ चलाजो गेमी चलाजो गेमी का एग्जाम्पल लिख लेना अखरोट में मिलता है जगल वॉलनट है कैशल लाइन में मिल जाएगा अच्छा जो लाइन लिखनी है वो जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है पोलन ट्यूब पोलन ट्यूब कैन एंटर कैन एंटर ओव्यूल फ्रॉम एनी एंड But enters, but enters embryo sac, embryo sac only from the micropylar end. वो व्यूल में कहीं से भी एंट्री ले सकता है लेकिन एम्ब्रियोस में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एंड से घुसेगा ठीक है चालियो चालियोज पीपल क्लिक स्क्रीन शॉट स्क्रीनशॉट टाइम क्लियर हुआ बेटा कोशिश तो पूरी है बाकी तुम्हारा साथ है बाकी तुम्हारा साथ है ठीक है अब देखो आप एक बच्चे ने बड़ा सही सवाल पूछा कि मैम ये जगह में खाली थोड़ी है आप जो भी ओव्यूल का पार्ट देख रहे हो चाहे इंटेग्यूमेंट देखो ले लिया स्क्रीन शॉट ले लिया स्क्रीन शॉट ले लिया स्क्रीन शॉट ले लो ना यार फिर आगे चलते हैं अच्छा एक बच्चा पूछा कि यहाँ पे सारे में सेल्स है मैम खाली थोड़ी बैठा है खाली नहीं बैठा है करेक्ट पॉइंट तो ये कैसे आ रहा है ये पोलन ट्यूब आ कैसे रहा है इसका काम क्या है ठीक है तो इसका काम ये है वॉट इज द वर्क पोलन ट्यूब जब आगे आता है ना देखो दो तरीके के पॉसिबिलिटीज है एक तो उसको खाली जगह मिल जाए होलो लेकिन अगर खाली जगह नहीं मिली तो क्या किया जाए वॉट टू डू इफ आई डोंट फाइंड अ एन एम टी होलो स्पेस पूरे में सेल 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 सेल्स है तो दो ही दो ही रास्ते हैं तुम्हारे पास क्या रास्ता है तुम्हारे पास अगर पूरा रास्ता पत्थरों से भरा हुआ है अगर सारा का सारा रास्ता पत्थरों से भरा हुआ है तो आप क्या करोगे यू कैन आईदर गो बीच बीच में से निकल के आप पत्थरों के बीच से निकलोगे ऐसे ऐसे राइट दिस इज वन पाथ दूसरा पाथ क्या है आप सीधे चलो जो पत्थर आपके रास्ते में आ रहा है आप उसको उठा के साइड फेंक दो आगे चलो उठाओ साइड ये उठा के साइड तो फेंक नहीं सकता तो आगे वाले सारे सेल्स को बर्स्ट करता हुआ चलता है एंजाइम डालता चलता है डाइजेस्ट करता चलता है नीचे तक ये कहानी ये स्टिग्मा से लेके यहां तक फॉलो करने वाला है पोलन ट्यूब विल आइदर टेक द इंटर सेल्यूलर स्पेस इट विल आईदर टेक द इंटर सेल्युलर स्पेस और इट इज जस्ट गोइंग टू डाइजेस्ट एवरी थिंग दैट कम्स इन इट्स पाथ एंड की दिस दो ही रास्ते हैं और ज्यादातर वो डाइजेस्ट करता चलेगा आगे का टिश्यू और उसमें से जो भी न्यूट्रिशन मिलेगा ना वो एब्जॉर्ब करता चलेगा और आगे बढ़ता जाएगा ठीक है बेटा जितने भी नोट्स होते हैं शुभम अंसारी जी जितने भी नोट्स होते हैं वो टेलीग्राम आईडी पे अपडेट कर दिए जाते हैं बेटा ठीक है तो जो मैंने स्टार्टिंग में सेशन के टेलीग्राम आईडी दिया है <coughs> उसमें आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे पुराने नए आने वाले फ्यूचर टेंस पास्ट टेंस प्रेजेंट प्रेजेंट फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट अगर कुछ होता है तो सब मिल जाएगा ठीक है वाह नाउ लेट्स गो स्क्रीन डन आई एम मूविंग पीछे वापस पीछे क्यों गए आगे जाओ ये तीनों थे डायग्राम्स ठीक है तो ये वाला डायग्राम किसका हो okay, गया देखो से आ रहा है। तो दिस चलाजो चलाज़ोगेमी एंड ये बीच में से निकल आया मीजोगेमी बढ़िया जी लेट्स गो अहेड अब आ गए हम लल्ला थर्ड पार्ट एंट्री इनटू द एम्ब्रियो सैक एंट्री इन इंटू सैक जब तक एंट्री की बात यहां तक आएगी पोलन ट्यूब देखो यहां तक पहुंची ग्रीन वाली जो है पोलन ट्यूब है जब तक पोलन ट्यूब यहां पहुंची ना तब तक बेटा आपका एंटीपोडल्स एंटीपोडल्स आर प्रेजेंट एट विच एंड ऑफ एम्ब्रिय एक्ट लिखो जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखो एंटीपोडल्स डीजेनरेट याद है बोला था एफ मेरल होते हैं शॉर्ट लिफ्ट होते हैं ये तो वैसे भी एफ मेरल एफी मेरल का मतलब शॉर्ट बहुत कम टाइम के लिए जिंदा। तो जब तक पोलन ट्यूब नीचे पहुंची माइक्रो एंड पे जितना रह गया ऑपरेटर्स है तब तक कौन से एंड पे एंटी जनरेट हो गए एक्सीलेंट ग्रेट वर्क दीज आर प्रेजेंट ए एंड तब तक ये खल्लास इनका वैसे भी कुछ खास फंक्शन हमें नोन नहीं है हम बोलते हैं न्यूट्रिशन दे देता है वेल वो भी अपनी मर्जी से बोल देते हैं हमें ऐसा लगता है कि क्यों ही क्या ही होगा यार बेचारा क्यों ही दुनिया में आया होगा तो हमने बोला चल ठीक है न्यूट्रिशन दे जा ओके बोले ठीक अब पहुंचा नीचे अब ये देखो धोखा मैम ये कुछ अजीब लग रहा है सब कुछ अब इसको प्रोसेस को प्लीज प्रोसेस की तरह समझना लिख लेना बाद में दिमाग में घुसनी चाहिए बात सब एनसीआरटी में लिखा हुआ है सब जगह लिखा मिल जाएगा किताबों को तो तुम वैसे भी पढ़ोगे मेरी बात वैसे भी नहीं मानोगे बट प्लीज समझने की कोशिश करना कॉन्सेप्ट को हमने ऐसे बनाया था दो सिनेजड एक एग रिमेंबर ऐसा बनाया था ना हमने कहा गया भाई हाँ हमने ऐसे बनाया था आगे वाले दो सिनर्जेड हमें पीछे एग दिखा रही थी इतनी देर से आपको एग एपरेटस में वी वर शोइंग टू सिनोजिड एंड वन एग एट द बैक एग पीछे हम इसलिए दिखा रहे थे क्योंकि दिखाना था एक एग क्योंकि अगर इसके पीछे छुपा दूंगी तो आपको दिखेगा ही नहीं आपको लगता बेटा दो सिनोजिड आपको क्या दिखता दो सिनोजिड दिखते तो हमने ऐसे दिखाया हमेशा दो सिनोजिड एक एग अब एनसीआरटी ने क्या किया है आपका व्यू बदल दिया ये कर दिया <laughs> तो एक सिनर्जेट दिख रहा है एक एग दिख रहा है सिनर्जेट दूसरा वाला पीछे छुप गया है समझे मेरी बात हम अभी तक ड्रॉ कर रहे थे सामने से दो सिनर्जेट एक एग एनसीआरटी ने व्यू बदल दिया जैसे ही व्यू बदला अब आपको दिख रहा है एक सिनर्जेट एक एग दूसरा सिनर्जेट पीछे छुपा हुआ है है ना दूसरा सिनर्जेट पीछे छुपा हुआ है राइट right. तो साइड एंगल ये वाला एग है ये एग है एक से नजेड है अब आप डायरेक्शन देखो डायरेक्शन देखो एग जो है उसका वैक्यूल नीचे की तरफ है इसका रीजन है बेटा बताऊंगी और न्यूक्लियस ऊपर की तरफ है एग का नीचे की तरफ नीचे क्या है ये कौन सा साइड है एग क्या कौन सी साइड पे है माइक्रोपाइलर एंड पे है दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड ये वैक्यूल नीचे है ऊपर की तरफ कौन है न्यूक्लियस किसका एग और जस्ट ऑपोजिट मिलेगा सिनर्जेंट्स में सिनर्जेंट्स हैव ऑपोजिट पोलैरिटी एज कंपेयर टू एग एग में हमें एग में

चलाजल एंड चलाजल एंड एंड न्यूक्लियस एट माइक्रोपाइलर एंड पोलारिटी ऑफ न्यूक्लियस एंड सिनरज इज ऑपोजिट ये भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये अभी समझ में आएगा तो याद हो जाएगा ठीक है क्यों ऐसा है पोलर ट्यूब पहुंचता है माइक्रोपाइलर एंड पे ठीक है छोड़ दो पेन छोड़ दो पेपर छोड़ दो दूर हो जाओ की से दो मिनट के लिए ठीक है लिसन टू दिस द माइक्रोपाइलर एंड एंड बस्ट मस्त यहां आके फुल प्रेशर में बूम इतने प्रेशर से बस्ट होता है कि अपनी वॉल रप्चर कर देता है पोलन ट्यूब तो रप्चर होगी उसमें से दोनों सिर्जिड में से भी किसी एक को खराब कर देता है अब कौन सा वाला होगा लेफ्ट वाला राइट वाला हम नहीं जानते लेकिन वन ऑफ दिन गोस उसका भी वॉल फूटा जिस सिड का वॉल फूटा उस को बोलेंगे डीजेनरेटिंग जो बच गया वो कहलाएगा परसिस्टेंट परसिस्टेंट सिड जाएगा वो भी मरेगा वो भी मरना तो सबको ही एक दिन लेकिन ये थोड़ा जल्दी बेचारा खराब हो गया वो आराम से धीरे धीरे डिजेनरेट होगा ठीक है रिपीटिंग द होल थिंग अगेन पोलन ट्यूब रीच द माइक्रोपाइलर एंड एंड बूम बर्स द प्रेशर प्रेशर से जब बर्स्ट होगा तो अपना वॉल भी फोड़ेगा और दोनों सिनोज में से किसी एक का वॉल फोड़ेगा जो भी सिनोजिड फूटा वो बन गया डीजेड जो दूसरा बच गया वो बन गया परसिस्टेंट सिट बाद में अल्टीमेटली दोनों खत्म हो जाएंगे अब ये हमारे प्यारे पिलीपॉर्म ऑपरेटर्स पोलन ट्यूब को बोले अंदर आ जाओ जा. तो अंदर इसको गाइड किया अंदर जब पोलन ट्यूब का सारा का सारा मटेरियल रिलीज हो गया ये सारा का सारा मटेरियल क्या है पोलन ट्यूब डिस्चार्ज पोलन ट्यूब अपना सारा मटेरियल डी सिनर्जिड में रिलीज कर देता है क्या ही मटेरियल था उसके पास ऐसा क्या ही था उसके पास क्या था साइटोप्लाज्म एक ट्यूब न्यूक्लियस दो वेजिटेटिव न्यूक्लियस अब देखो बहुत टाइम तक साइंटिस्ट को ना इस स्टेज पे इस स्टेज पे दो बहुत डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर दिख रहे थे बहुत टाइम तक इस स्टेज पे साइंटिस्ट को मिल रहा है हर बार यहां डी जेनरेटिंग में दो बड़े बड़े स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जो डार्क से स्टेन हो रहे हैं और पता नहीं है क्या पता ही नहीं चल रहा क्या है तो उन्होंने नाम रख दिया इसका एक्स बॉडीज ये कोई तो स्ट्रक्चर है जो बड़ा है साइज में थोड़ा अच्छे से स्टेन होता है लेकिन अजीब सा इरेग्युलर साइज हो गया उसका क्या चीज है पता नहीं अभी के लिए इसका नाम रख देते हैं एक्स बॉडीज बाद में पता चला कि जिस प्रेशर से पोलन ट्यूब बर्स्ट होती है ना इसके जस्ट पीछे वाला न्यूक्लियस खराब होता है और आप देखो पोलन ट्यूब में सबसे आगे कौन सा न्यूक्लियस चल रहा था कमेंट सेक्शन सबसे आगे सबसे आगे कौन सा न्यूक्लियस चल रहा था पोलन ट्यूब में ट वॉज द नेम ऑफ द न्यूक्लियस दैट वॉज जस्ट अहेड बिल्कुल आगे आगे जो था बोलो ट्यूब न्यूक्लियस साहिल ट्यूब न्यूक्लियस था है ना तो बाद में पता चला ये जो एक्स बॉडीज है जब वो पोलन ट्यूब बर्स्ट हुई ना तो उसने ट्यूब न्यूक्लियस खराब कर दिया और जिस इनर्जेड में एंट्री मारी थी ना उसका न्यूक्लियस भी खराब कर दिया इसीलिए ट्यूब न्यूक्लियस आगे चल रहा था एक तो सारा काम करता आया है बेचारा पूरे रास्ते सारा पोलन ट्यूब फॉर्मेशन ये वो अंडसन सब कुछ वही करता आया है मेल ग्राम से पीछे ऐसे मस्त आराम से बस साइटोप्लाज्म में धीरे धीरे अंकल जी की तरह चलते आए है ठीक सिनर्जिड ने भी एंट्री दी सारा काम इसने किया सिनर्जिड का न्यूक्लियस इसलिए नीचे है एग का न्यूक्लियस इसलिए ऊपर है क्योंकि अगर यहां बस्ट हुआ और एग का न्यूक्लियस खराब हो गया तो फीमेल गेमीट खराब हो जाएगा और गमीट है ही एक है ना य तो है ही एक तो ये जो ट्यूब न्यूक्लियस बाद में क्या पता चला ये एक्स बॉडीज क्या है वन इज डी जेनरेटिंग डी जेनरेटिंग ट्यूब न्यूक्लियस एंड सिनर्जिड न्यूक्लियस ट्यूब न्यूक्लियस एंड सीनर्ज न्यूक्लियस ये है वो डार्कली स्टेन स्ट्रक्चर जो इरेग्युलर हो गए फट गए ठीक है अब जैसे ही सारा का सारा साइटोप्लाज्म सब कुछ इधर रिलीज कर दिया हमने तो इधर साइटोप्लाज्म रिलीज हुआ था दोनों के दोनों एक्स बॉडीज थे और हमारे पास क्या थे मेल न्यूक्लिया इसको थोड़ा मैं लेबल कर रही हूँ डार्क रेड से बना दे रही हूँ ये दिख रहा है आपको एक ये बना रहा है और एक ये बना रहा है So these are your male क्या है बेटा मेल गेमीट्स देखो कितना सिंपल सा तो प्रोसेस था आया ना समझ एनसीआरटी का ये डायग्राम समझ आया अब आप समझ गए आपको ये पॉइंट भी याद रखने की जरूरत नहीं रटने की जरूरत नहीं आप जानते हो जिसका न्यूक्लियस नीचे होगा उसका न्यूक्लियस खराब होगा एग का न्यूक्लियस में नीचे नहीं रख सकती तो वाक्यो नीचे न्यूक्लियस एग एग न्यूक्लियस ऊपर नहीं बेटा एक मिनट इट इज नॉट सेकेंडरी किसी ने सेकेंडरी न्यूक्लियस नहीं बोला गलत चीजें मत बोलो अविरल किसी ने नहीं बोला यहां पे सेकेंडरी न्यूक्लियस मैंने बोला सेकंड दूसरा सेकेंडरी नहीं शब्दों में डिफरेंस है इज दिस क्लियर हाँ जी बेटा समझ आया तो शेयर क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग ठीक है नहीं बच्चा मेल गेमीट्स आगे नहीं रहेंगे डिस्चार्ज के बाद आगे गए हैं वो आगे हमेशा ट्यूब न्यूक्लियस होगा इसमें एंट्री के बाद की बात हो रही है बर्स्ट हो चुकी है देखो पोलन ट्यूब पोलन ट्यूब बर्स्ट कर चुकी है अंदर एंट्री ले रही है बर्स्ट करने के बाद मेल गेमीट्स को आगे धक्का मार देंगे हम ठीक है वेजिटेटिव न्यूक्लियस विल विल ऑलवेज ऑलवेज लीड लीड एंड में जाके मेल को आगे भेज देगा खुद पीछे रह जाएगा पीछे रहने का पॉइंट भी है हो गई उसका काम खत्म अच्छा एक बच्चा पूछ रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्स बॉडीज बता सकते हो कमेंट सेक्शन में व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्स बॉडीज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्स बॉडीज योर बेटा लाशों का क्या काम होता है वट इज द फंक्शन ऑफ डेड इट इज जस्ट डेड स्ट्रक्चर अरे भाई इट्स जस्ट अ डेड स्ट्रक्चर फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म टू प्लाज्म अभी अभी मरा कहां जाएगा यहीं घूमेगा इट्स डेड स्ट्रक्चर. बाय बाय फेर भाई. टेबल से उठा के दिमाग सिर के अंदर है ना खोपड़ी खोलो अंदर रखो दिमाग अब ये सब कहानी तो कहां हो रही थी ये सारी कहानी हो रही थी नीचे एग एपरेटस में ऊपर क्या हो रहा था ऊपर क्या हो रहा था एंटीपोर्डस तो डीजनरेट हो गए लेकिन अभी तक हमने कहानी बात नहीं करी किसकी पोलर न्यूक्लिया की पोलर न्यूक्लियाई अंकल पोलर न्यूक्लियाई विच इज एन प्लस एन हैप्लॉइड दो न्यूक्लियस थे जब ये पोलन ट्यूब नीचे बर्स्ट करेगी एंटीपोड तब तक डिजेनरेटेड और ये दोनों कर जाएंगे फ्यूज दे गेट फ्यूज टू फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लोइडी 2n अब प्लोइडी डिप्लॉइड हुई उसकी जब वो आपस में कर गया फ्यूज तो सेंट्रल सेल में जो पोलर न्यूक्लिय आए थे वो अब कर गए हैं फ्यूज ठीक है बेटा जी नहीं 3n नहीं है अभी 2n है तीसरा कहां है न्यूक्लियस वही तो है जबरदस्ती रट लिया एक बार सुन लिया था कहीं पे थ्री एन हो जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस इज टू एन सेकेंडरी न्यूक्लियस का दूसरा नाम डेफिनेटिव न्यूक्लियस डेफिनेटिव न्यूक्लियस टू एन इज दिस बोर्ड क्लियर यहां तक क्लियर हुआ चल रही हूं मैं आगे काफी टाइम स्पेंड कर दिया हमने इस डायग्राम पर ठीक है एंट्री इंटू दिक एंट्रिय एम्ब्रिय में एंट्री हो गई लास्ट स्टेज डबल फर्टिलाइजेशन अब देखो ये दो न्यूक्लियस ये दो न्यूक्लियस जो कि हैं क्या मेल गे मीट एक जाएगा इसके साथ फ्यूज कर जाएगा एक जाएगा इसके साथ फ्यूज कर जाएगा एक जाएगा एक के साथ फ्यूज कर जाएगा ठीक है दो जगह फ्यूजन हो रही है पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर वन सेकेंडरी न्यूक्लियस फ्लॉइडी ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस टू एन एक मेल गेमीट यहां जाके फ्यूज कर गया वन मेल गेमीट मेल गेमीट की प्लॉइडी एन मेल गेमीट की प्लॉयडी एन दिस फॉर्म्स प्राइमरी प्राइमरी एंडोस्पॉर्म न्यूक्लियस जिसको हम प्यार से बोलते हैं पी ई एन अब आया कुछ नया ये जो न्यूक्लियस है ये किसके अंदर था सेंट्रल सेल तो सेंट्रल सेल क्या बन गया प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल पीईसी पीई एन इज द न्यूक्लियस और सेंट्रल सेल बन गया अब सेल जिसके अंदर ऐसा न्यूक्लियस है जो ट्रिप्लॉइड है पीईसी पीई एन दोनों की प्लॉइडी थ्री एन इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन तीन न्यूक्लियस टोटल फ्यूज करे हैं दो पोलर न्यूक्लिया और एक मेल गीट टू फॉर्म अ ट्रिप्लॉय तीन न्यूक्लियस फ्यूज किए हैं ऐसा सिर्फ एंजियोस्पर्म्स को छोड़ के और कहीं नहीं होता इट डज नॉट टेक प्लेस एनी वेयर एल्स अदर देन अदर देन एंजियोस्फॉर्म्स तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर अगला प्रोसेस देखो फीमेल गेमीट फीमेल गेमीट क्या चीज एग फीमेल गेमीट है प्लस मेल गेमीट हॉइड मेल गेमीट फीमेल गेमीट फ्यूज किए क्या बन जाएगा प्लॉइडी टू एन ये चीज तो होती आ रही है ये तो आलगी से होती आ रही है आलगी ब्रायोटेडो जिमनो एनजे सब में हुआ है इसमें कुछ अलग नहीं है दिस इज नॉर्मल फिनोमेना ऑफ सिंगेमी इज अ नॉर्मल फिनमिना ऑफ सिंह गेमी ठीक है क्योंकि दो तरीके के फ्यूजन हुए सिंगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन टुगेदर इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन दो तरीके के फ्यूजन हुए इसलिए बोला डबल फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन का फिनोमिना सिर्फ और सिर्फ एनजियोस्पम्स में देखा जाता है सो ट्रिपल फ्यूजन एंड डबल फर्टिलाइजेशन आर एक्सक्लूसिव टू एनजियोस्पर्म्स क्या लिखोगे यहां से इसको सर्कल मारो ट्रिपल फ्यूजन एंड डबल फर्टिलाइजेशन आर एक्सक्लूसिव टू एनजियोस्पम्स ट्रिपल फ्यूजन एंड डबल फर्टिलाइजेशन किधर ले जाओ इधर ले जाते हैं आर एक्सक्लूसिव टू एनजियो स्पर्म्स मतलब सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होता है ये ट्रिपल फ्यूजन भी और डबल फर्टिलाइजेशन भी डबल फर्टिलाइजेशन जब पहली बार देखा तो ये देखा गया बाय नवास्ट and गिगनार्ड नवास्ट्रिन and गिग्नार्ड दोनों साइंटिस्ट थे इन्होंने इसको देखा इन लिलियम प्लांट लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया लिलियम और फ्रिटिलेरिया इन दो प्लांट्स में पहली बार डबल फर्टिलाइजेशन स्टडी किया गया बाय नवास्ट्रिन एंड गिगनार्ड एंड दिस इज द प्रोसेस दैट इज एक्सक्लूसिव टू Is my point पॉइंट क्लियर जी बेटा जी क्लियर हुआ तक। चलें। ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली लाभिया। ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली बनेगा आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस और पोलन ट्यूब की एंट्री ठीक है जी बेटा आप देखो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए डायग्राम इतनी देर से माइक्रो पाइलर एंड नीचे बोल रहा था अब ऊपर बोल रहा है है ना लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कौन सा एंड क्या है डीजनरेटिंग एंटी पोर्टल्स लिखा है एंटी पोर्टल्स डीजनरेटिंग है मतलब ये चलाजल एंड है कंफ्यूज नहीं हो ना सिंपल पता है एंटी चलाजल एंड पे होते हैं और एग किधर दर की तरफ होगा माइक्रो एंड ये है खत्म कंफ्यूज वहां होंगे जहां पता नहीं है बात जब पता है बात तो कंफ्यूजन का पॉइंट ही नहीं खत्म हो गई बात यहीं पे ठीक है अच्छा अब मुझे ये ये बताओ ये बताओ आई हैव सम फॉर यू टोटल हाउ मेनी न्यूक्लिया डबल फर्टिलाइजेशन पूरा गिनू स्टार्टिंग टू एंड तो टोटल कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व है डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में हाउ मेनी न्यूक्लिया आर इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन है? कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व है ट्रिपल फ्यूजन और सिंगेमी सिनगेमी आपका जाइगोट है जाइगोट आपकी नेक्स्ट जनरेशन है बेटा ठीक है पीई एन ये न्यूट्रिटिव टिश्यू बनाएगा ये इंडोस्फॉर्म बना रहा है इसका फंक्शन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होगा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होगा ये नेक्स्ट जनरेशन है जब अगली जनरेशन आने वाली होती है तो पापा मम्मी पहले से नहीं प्रिपेयर करके रखते हैं ऐसा कमरा ये घर वो घर ये ब्ला, ब्ला, ब्ला। अब नेक्स्ट जनरेशन है तो पहले से बहुत चीजें प्रिपेयर करके रखनी पड़ेगी ना तो क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू देख गया मुझे किस किस का सही आंसर आया है कौन सा वाला पहले हुआ होगा ट्रिपल फ्यूजन पहले हुआ होगा कि सीम ये भी पहले हुआ होगा सोच के देखो पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि टोटल कितने न्यूक्लियस इन्वॉल्व है पूरे डबल फर्टिलाइजेशन में दूसरा क्वेश्चन मेरा है कि कौन सा वाला प्रोसेस पहले हुआ होगा ट्रिपल फ्यूजन पहले हुआ होगा या सिंगेमी पहले हुआ होगा राइट hmm? न्यूट्रिशन right? पहले तैयार करोगे ना आप जैसे जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी ऐसे होता है फीमेल में पहले प्लेसेंटा फॉर्मेशन हो जाएगा नरिशमेंट की तैयारी पहले की जाती है तो इसलिए फर्स्ट व्हाट विल टेक प्लेस ट्रिपल फ्यूजन विल टेक प्लेस फर्स्ट है ना ट्रिपल फ्यूजन विल टेक प्लेस फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा बेटा ऑफ कितने न्यूक्लियस पांच कौन से पांच न्यूक्लियस दो पोलर न्यूक्लिया Two polar nuclear, two male gametes and one female gamete. Total number of nucleus involved. Five. Total number of gametes. इन्वॉल्व टोटल नंबर ऑफ गेमिट्स कौन से कौन से इन्वॉल्व है कितने गेमिट्स थे कितने गेमिट्स थे कितने गेमिट्स थे बच्चा हाउ मेनी गेमिट्स टोटल थ्री टू मेल गेमिट्स And one female gimmick. What will take place first? Triple fusion will take place first. ठीक है अच्छा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करना चाहोगे घबराओगे तो नहीं जंगल में जाओगे शेर पकड़ के लाओगे डरोगे तो नहीं हम्म डरोगे तो नहीं है और अगर डर गए तो डर गए तो डर गए तो हम स्पेशल क्लास में मिलेंगे डाउट पूछ लेना आ जाओ सॉल्व सोल्व इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वो वाले क्वेश्चन तो बाकी भी कराऊंगी मैं जो पूछे गए हैं ये वाला देखते हैं एक बार प्लॉइडी हमने जो पीछे लिखी ये सारी प्लॉइडीज़ जो हमने लिखी दिस इज वेरी कॉमन ठीक है दिस इज वेरी वेरी कॉमन ये जनरल है ऐसा नॉर्मली होता है जब पेड़ डिप्लॉयड है जब पेड़ डिप्लॉयड है ठीक है लेकिन अगर मान लो आपके पास एक फीमेल पेड़ है दिस इज द फीमेल पेड़ ठीक है एंड दिस इज द मेल पेड़ ओके, फीमेल पेड़ की प्लॉइडी है फोर एन मेल पेड़ की इंप्लॉयडी है टेन एन या एक्स लिखो एन गलत हो जाएगा बोल मै ना एटलीस्ट मैं अपने एन से सही लिख 10x टेन एक्स प्लॉइडी फोर एक्स प्लॉयडी तो वॉट विल बी द प्लॉयडी ऑफ zygote? What will be the ploidy of pen? Synergid, pollen? चलो इतनों की ही बता दो। अगर पेड़ नॉर्मल डिप्लॉयड होने के जगह अगर पेड़ नॉर्मल प्लॉयडी के अलावा ज्यादा हाइयर प्लॉयडी का हो जाता है तो क्या होगा तो क्या आपका वही डिप्लॉयड बनेगा क्योंकि गेमीट अलग आएगा जब गेमीट अलग आएगा तो प्लॉयडी यहां भी अलग हो जाएगी अगर मेन प्लॉयडी फोर एक्स है और इसकी टेन एक्स है तो आफ्टर मियोसिस बचा

फीमेल गेमीट एग की प्लॉइडी ये होगी और पोलन में जो मेल गेमीट है उसकी प्लॉइडी ये होगी तो पोलन की प्लॉइडी आई कितनी फाइव एक्स सिजिड की प्लॉइडी एग के जैसी होती है एंटीपोडल्स सिनर्जिड पोलर न्यूक्लिया सबकी प्लॉइडी होती है haploid. Haploid मतलब एग फीमेल जैसा फीमेल जैसा टू एक्स कॉमेंट सेक्शन बोलो कितना होगा गुड स्वामी गुडगोड विल बी एक मेल के मीट एक फीमेल के मीट एक मेल के मीट एक फीमेल के मीट तो टू एक्स प्लस फाइव एक्स इट इज गोइंग टू बी सेवन एक्स एन प्लॉइडी और पीई एन शाबाश पीई एन पीएन में दो न्यूक्लियस फीमेल ओरिजिन के होते हैं पोलर न्यूक्लिया है दोनों के दोनों फीमेल ओरिजिन के होते हैं तो दो न्यूक्लियस फीमेल वाले एक न्यूक्लियस मेल वाला फीमेल टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस एक मेल के मीट फाइव एक्स नाइन एक्स कौन कौन डर गया देखा मैंने जो जो डर गया वो भग गया

नॉर्मल टिपिकल टेक्स्ट क्वेश्चन तो हो ही जाएगा प्लांट्स विद ओवरीज हैविंग ओनली वन और अ फ्यू ओव्यूल्स आर जनरली पॉलिनेटेड बाय ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर सिर्फ एक ओवरी होती है ठीक है और उसमें ज्यादातर कम ही ओव्यूल्स होते हैं ऐसा किसमें पॉलिनेशन हो पाएगा कौन सा वाला पॉलिनेशन हो पाएगा लास्ट क्लास का क्वेश्चन है पुराने क्वेश्चंस भी अब मैं धीरे धीरे पूछने लगूंगी क्लास में क्योंकि चैप्टर हम ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ ले आए हैं मेरा क्लास शुरू होती है एट थर्टी और तुम मुझे इतनी बार मिल चुके हो क्लास में तब भी तुमको नहीं पता है ये बात आई हैव नाउ रिमेंबर आई नाउ रिमेंबर योर नेम विंड पॉलीनेटेड होता है विंड पॉलिनेटेड क्योंकि चांसेस बहुत कम है पोलन के स्टिग्मा पे गिरने के अगला फिलीफॉर्म ऐपरेटर्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच स्ट्रक्चर फिलीफॉर्म ऐपरेटर्स जो है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एल्यूरॉन सेल एल्यूरोन सेल तो मैंने अभी पढ़ाया नहीं आपको न्यू सेलर एम्ब्रियो, सिनोजिन और जेनरेटिव सेल क्विकली गुड सिन में आपको मिलेगा राइट परफेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन अरे ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर प्रिवेंट्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स अगर होंगे मेल अलग फ्लावर है फीमेल अलग फ्लावर में है डिफरेंट फ्लॉर मेल इज इन डिफरेंट फ्लॉवर बोथ गाइटन एंड जेनोगेमी ऑटोगेमी बट नॉट गोगेमीमी बट नॉट जेनोगेमीमी एंड गाइटनोगेमी इसने यूनिसेक् फ्लावर बोला इसने मोनोश डायश प्लांट बॉडी नहीं बोला है तो आप एज्यूम नहीं करोगे इसने कहा बोला कि वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर सेम बॉडी पे रहते हैं कि दूसरी पे नहीं बोली ना ये बात उसने ये नहीं बताया ना कि दोनों का एक घर है कि अलग अलग, अलग घर है उसने बस बोला यूनिसेक्सुअल फ्लार है ठीक है अगर यूनिसेक्सुअल फ्लार है तो ऑटोगेमी तो प्रिवेंट हो जाएगी गाइटनो का नहीं पता भाई पहले बताओ पहले बताओ गाइटनो के बारे में पहले बताओ इज इट द सेम प्लांट बॉडी और नॉट अगर सेम प्लांट पे होंगे यूनिसेक्सुअल भी होंगे तो भी गाइटनो इज पॉसिबल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन

Hmm. what is the arrangement what is the arrangement arrangement will be 3 plus 2 plus 3 three antipodals two polar nuclei three cells in egg apparatus one egg or two synergids which of the following pair of plant structures have haploid number of chromosomes haploid number of chromosomes पूरे दोनों दोनों एग्जाम्पल्स में हैप्लॉइड होना चाहिए ठीक है तो एग हैप्लॉइड एंटीपोडल्स हैप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड एंटीपोडल्स हैप्लॉइड नेक्स्ट न्यू सेलस डिप्लॉइड एंटीपोडल्स हैप्लॉइड एग न्यूक्लियस हैप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस दोनों पोलर न्यूक्लिया के फ्यूज होने के बाद बनेगा डिप्लॉइड तो कौन सा ऐसा सेट है जिसमें दोनों है फर्स्ट एग और वाला चलिए जी सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द सेशन गाइज यू कैन ऑल्सो डाउनलोड लर्निंग एप फॉर मोर क्विजेज एंड क्लास ये हमारा बंपर ऑफर आज आखिरी दिन है बेटा ट्वेल्व प्लस थ्री आप 12 महीने का कोर्स लेते हो तीन महीने का आपको फ्री मिलता है ठीक है आज लास्ट डेट है अगर 2022 के लिए आप पढ़ रहे हो एंड यू वांट टू जॉइन मी एंड टीम ऑन पे ज्यादा इंटरेक्टिव सेशंस के लिए तो यू कैन जॉइन उसके अलावा भी बहुत सारे और चैनल्स और बहुत सारे और आते रहते हैं नए नए बैचेस फायदा अभी ज्वाइन करने का ये होगा बस कि आपके पास पूरा साल है आप आराम से टीचर्स के साथ ज्वाइन कर सकते हो वो तो ये नहीं तो वो नहीं तो कोई ना कोई चैप्टर कभी ना कभी कवर करा देते हैं पूरा ऑर्डर में चलते हैं कुछ टीचर्स का बिल्कुल ही पूरा का पूरा प्लस कोर्स सो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो प्लस आपने सोच लिया नहीं मैम पूरे पैसे मैं दूंगा ही नहीं तो कॉम बैट इज फॉर यू वीकली स्कॉलरशिप है आसान स्कॉलरशिप है यूजअली बच्चों को ये लगता है स्कॉलरशिप पेपर है तो मुश्किल ही होगा ऐसा नहीं है ठीक है रजिस्ट्रेशन इज एब्सोल्युटली फ्री कोई एक रुपए भी नहीं लेगा तुमसे ठीक है और ये हर संडे सुबह ग्यारह बजे ठीक है कोमल लाइव कोड इसके लिए यूज करना है के ओ एम ए एल एल आई वी ई लाइव एनरोलमेंट के लिए भी और जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करोगे इनवाइट कोड की तरह भी इसको यूज कर लेना चार करोड़ सोच लिया है स्कॉलरशिप में देना है तो देना है भाई आप तो कौन ले जाए चाहे एक ही घर के चार लोग लेके चले जाए तुम बैठे रह जाओ विश अच्छा क्या बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा नहीं सिर्फ सिक्सटी मिनट का पेपर है सेवन तो लेकिन बाकी बच्चों के पास भी पूरा स्पेक्ट्रम है बीस परसेंट से लेके हंड्रेड परसेंट तक का स्कॉलरशिप सो मिलेगा हो सकता है आपको सेवेंटी एट्टी परसेंट तक स्कॉलरशिप मिल जाए कोड आप यूज कर सकते हो कोमल लाइव एंड ये सब कुछ अन अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे ठीक है बेटा जी एंड उधर आपको क्या करना है प्लस नीट यूजी गेट सब्सक्रिप्शन प्लस में मेरे सेशंस 5 पीएम और स्पेशल ये हमारा चेंबर्स ऑफ सीक्रेट बेटा फ्री क्लासेस भर का पिटारा आएगा फ्री क्लासेस का पिटारा अब फ्री क्लासेस का जो हमारा पिटारा है इसका ध्यान देना थोड़ा ठीक है यहां पे एक बैच शुरू हो रहा है एक कैंप शुरू हो रहा है समर कैंप जैसा दिशा कैंप जहां पे हम फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जुआलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट उठा रहे हैं बेसिक्स कवर कर रहे हैं ठीक है कल मेरी क्लास है यहां पर थ्री थर्टी फ्री है थ्री थर्टी पे क्लास है वैसे तो लिंक मिल जाएगा आपको लेकिन अगर नहीं मिला तो एट द रेट कोमन लाइव सर्च कर लेना ऑन टेलीग्राम आई विल पोस्ट माई लिंक माई क्लास का लिंक इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप थ्री थर्टी पी एम पे फ्री क्लास है मैं करा रही हूँ आपको सेल साइकिल ये साइकिल में जो माइटोसिस मियोसिस ऐसी कहानियां अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है और ज्वाइन करना चाहते हैं नीट यूजी की ही कैटेगरी में आएंगे तो उनको जरूर ये चीज बता देना कि देखो बेसिक्स क्लियर हो रहा है फ्री में ठीक है कब थ्री थर्टी टू राइट सिर्फ अगर पसंद आ जाए क्लासेस इफ यू लाइक हाउ वी टीच ऑन स्पेशल देन यू कैन गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन बेटा ओके यू कैन गो फॉर प्लस इसमें भी आप रेफरल कोड क्या लगा सकते हो? करना है प्लस फोर्स आइकॉनिक ये सब कुछ जो बच्चा खुद से थोड़ा प्लान चलता है प्लस खुद को झूठ मत बोलना क्योंकि आप जानते हो कि आप प्लान चलते हो कि नहीं चलते हो अगर आप प्लान नहीं चलते हो देन दिस इज फॉर यू यहाँ आपको एक मेंटोर भी मिलता है जो आपको गाइड करता है वीकली प्लानिंग में पेपर के एनालिसिस में कहाँ वीक जा रहे हो कहाँ ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है कौन होगा ये मेंटोर कुछ टीचर्स हैं अन अकेडमी के और कुछ पुराने प्रीवियस ईयर टॉपर्स हैं जिन्होंने पेपर क्लियर करा है और जानते हैं कि कैसे किया जाता है पेपर क्लियर ठीक है तो ये है यहाँ पे हमारा ट्वेल्थ क्लास का यूट्यूब पे टाइमिंग्स सारे टीचर्स के राइट right? मैं लेट आती हूँ सबसे लास्ट क्लास मेरी होती है एट थर्टी टू नाइन थर्टी जिसके बाद अब आप सुकून की नींद सो कल फिर से यही साइकिल शुरू हो जाएगा इस कैंप की मैं बात कर रही थी ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री दोनों के लिए है ये कैंप बेसिक्स बिल्कुल बेसिक्स स्पेशल क्लास पे है जो कि बिल्कुल बिल्कुल फ्री होती है दिस इज इंपॉर्टेंट कोई एक रुपया भी नहीं देना है आप लोगों को इस चीज के लिए ठीक है सो दिस इज एक्सिल्प फॉर स्टार्टिंग या बेसिक्स मेरी क्लासेस थ्री थर्टी होंगी थ्री थर्टी और बाकी सारे क्लासेस भी ऐसे ही होंगे सुबह अनूप सर की है नाइन टू टेन फिर महेंद्र सर एट टू इलेवन टेन टू इलेवन जोअलॉजी में तो तो क्लासेस अभी चल रहा है मेरा मैच होगा फिर डायरेक्टली थ्री थर्टी फोर टू फोर थर्टी एन आकांक्षा मैम का भी आपको टाइमिंग मैं अपडेट कर दूंगी ठीक है हाई नो यार तबियत ठीक नहीं है उनकी ठीक सो दिस इज वेयर यू कैन फॉलो अस थैंक यू सो मच गाइज टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ प्लीज स्टे सेफ स्टे हैप्पी स्टे हाइड्रेटेड एंड आई विल सी यू टुमारो अगेन कल एक नया दिन एक नई शुरुआत एक नए जोश के साथ वी विल मीट टुमारो अगेन एट वन ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स में कवर कराऊंगी मंथ एंड बैच में तो कोई अगर 2021 के लिए टारगेट कर रहा है या इलेवेंथ क्लास में है 2023 के लिए कर रहा है तो भी क्लास में आ सकते हैं आई विल बी गिविंग अ डिटेल डिस्कशन अबाउट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट आई विल सी यू इन क्लास टुमारो ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट